मोरिंगा का पत्ते का चटनी है ये, और कैसे बनाई हूँ आप लोग देखिएगा पूरे वीडियो, बहुत ही यमी होती है ये। और आप लोग चावल का साथ बढ़िया से स्वाद लेके एंजॉय कर सकते हो। हेलो एवरीवन, नमस्ते, मेरा चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं ये मोरिंगा के पत्ते का चटनी बनाऊंगी, तो आप लोग पूरे वीडियो देखिएगा कैसे बनाऊंगी इसका चटनी। तो चले स्टार्ट करती हूँ। और ये मोरिंगा का फल पत्ते बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसका एक एक पत्ता इसी तरीका से निकाल लूँगी। देखिए इसका डंडल यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ पत्ते यूज़ करूँगी। देखिए देखिए, इस तरीका से पत्ते सारे निकाल लूँगी। देखिए इसी तरीका से मैं इसका पत्ते सारे निकाल लूँगी पहले। तो गाइस, इसे मैंने साफ़ कर लिया है, साफ करके इसे मैंने अच्छे से धो भी लिया है। देखिए इस चटनी में और क्या क्या जाएगा, देखिए करी पत्ता है, मिर्ची ली हूँ हरी मिर्ची, ये अपना तीखा हिसाब से डालिएगा। ये चना दाल है 1 चम्मच, देखिए थोड़ी सूखा कोकोनट है, लहसुन है, और ये मूंगफली थोड़ी। तो अब चले बनाते हैं इसे। देखिए एक कढ़ाई बिठाई हूँ, तो इसमें ऑयल डालूँगी थोड़ी, आप लोग को जो ऑयल पसंद है उसी को डालिएगा, मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। तो अब इसमें डालूँगी करी पत्ता, हींग और बाकी ये सारे जो मैंने रेडी किए थे, बादाम, दाल, मिर्ची, लहसुन, तो भून लेती हूँ। देखिए इसे मैंने 4 मिनट भून लिया है कम आंच में, अब डालूंगी ये। अब डालूंगी इमली का फल, तो ये भून के रेडी है अभी। देखिए अब गैस को बंद कर देती हूँ।
और इसे मैं ठंडे होने दूंगी पहले। तो ये ठंडा हो चुका है अभी, अब मैं इसे पीस लूंगी। आप लोग चाहे तो इसे सिलपट्टे में भी पीस सकते हो। और इसमें मैं थोड़ी पानी ऐड करूंगी, 2 चम्मच। अब मैं इसे पीस लूंगी। तो पीस लिया मैंने, देखिए। ये चावल का साथ बहुत ही स्वादिष्ट होता है, रोटी का साथ भी होता है, चावल का साथ ज़्यादा अच्छा लगता है खाके। तो गाइस बताइए आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये मोरिंगा का पत्ते का चटनी। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और एक बार ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये चटनी बहुत ही यम्मी होती है और हेल्दी भी है ये। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।